दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के दो कोर्सेज, जिसमें आपको 100 प्लस वीडियो के अलावा चैप्टर वाइज नोट्स, टेस्ट सीरीज और 5-6 के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स इसको डाउनलोड करनी होगी। वहां पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आदि 250 से अधिक कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप फ्री नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो हमारे एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में फ्री नोट्स डाउनलोड का भी ऑप्शन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप बच्चों को समझाने वाले हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर के बारे में। तो देखिए, हम जानते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है, इक्विलिब्रियम लेवल तब होता है जब एग्रीगेट डिमांड वाई के बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है, इट इज द सम ऑफ सी प्लस I प्लस जी। हम क्लोज इकोनॉमी मॉडल लेके चल रहे हैं। तो जब एग्रीगेट डिमांड C प्लस I प्लस जी के बराबर है, तो जैसे ही हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं, जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी बढ़ जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड लेवल बढ़ने से जीडीपी का लेवल भी बढ़ जाएगा। यानी कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाता है तो जीडीपी का लेवल भी बढ़ेगा। क्वेश्चन ये है कि क्या जीडीपी का लेवल सेम अमाउंट में बढ़ेगा जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, या उससे ज्यादा बढ़ेगा, ये एक क्वेश्चन है। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि इसको हम केजी लिखते हैं इसे। ये डिनोट कर रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को। ये इक्वल होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं और जो जीडीपी जो है वो 500 करोड़ से बढ़ती है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर आपका 5 के बराबर हो गया। इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बताता है कि जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसे को इंजेक्ट करती है, पैसे को खर्चा करती है, तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे इनकम का लेवल बढ़ेगा, और इनकम का लेवल बढ़ने से आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो कहीं ज्यादा बढ़ेगा। ये सिंपल सॉरी जीडीपी का लेवल कहीं ज्यादा बढ़ेगा। तो जो आपका ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला बेसिकली ये डिपेंड किस पे करता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका फार्मूला बनता है ये वाला 1/(1-C), कई जगह बी बोल देते हैं मल्टीपल। इसका मतलब बेसिकली मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर, यानी कि ये डिपेंड करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर। कई जगह इसका फार्मूला हम इस तरीके से भी देखने को मिला है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इक्वल टू 1/(1-C)(1-T)। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये वाला फार्मूला कब लगेगा और ये वाला कब लगेगा। इसका डेरिवेशन करके हम आपको सिखा देते हैं, डायग्राम आपको सिखा देते हैं, और इसका इंपैक्ट जो है वो आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये तब लगता है जब हमारा जो टैक्स होता है वो लमसम टैक्स होता है। लमसम टैक्स का मतलब है कि आपको टैक्स अमाउंट बता देगा इस तरीके से 50। तो इसका मतलब है कि जब आपका फॉर्मूला लगाओगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का, तो आपको सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा वाई आपको कैलकुलेट करने के लिए 1/(1-C) इंटू डेल्टा जी। इस वाले फॉर्मूले का यूज करके आप डेल्टा वाई की वैल्यू को निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपका टैक्स जो है वो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब है कि आपको इस फॉर्म में दिया होगा TY=0.2Y, इस फॉर्म में दिया होगा, तो उस केस में आपको जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो ये वाला लगाना पड़ेगा, डेल्टा वाई इक्वल टू 1/(1-C)(1-T) इंटू डेल्टा जी। तो इसको सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको एक बार सिखा देता हूं, जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने फॉर्मूले को डेरिवेट करके दिखा रहे हैं। हम जानते हैं कि वाई जो होता है वो किसके बराबर होता है। अभी हम पहले लमसम के केस में कर रहे हैं, लमसम टैक्स के केस में कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, सी प्लस आई प्लस जी के। और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि सी बार प्लस सी वाई माइनस टी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सी होता है वो किसके बराबर होता है, सी बार प्लस सी वाई डी के, और वाई डी जो होता है वो होता है वाई डी होता है वाई माइनस टी ए टैक्स प्लस टी आर। तो चाहो तो आप इसमें टी आर भी इसमें ऐड कर सकते हो, यानी कि टी ए प्लस कर दिया माइनस हो गया और टी आर प्लस हो गया, दोनों के दोनों ऑटोनोमस हैं, यानी कि कांस्टेंट रहेंगे, प्लस आई बार प्लस जी बार। ये हमारा फार्मूला कैसे डेरिवेट होता है वो हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सी बार प्लस
सी वाई माइनस सी टी ए बार प्लस सी टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसका असर इस पे जानने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये वाला हिस्सा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। कुछ चीजें कांस्टेंट है, कुछ चीजें वेरिएबल है, तो जो कांस्टेंट है उनको हटा देते हैं, मैथमेटिकली रूल यही कहता है। इसका मतलब वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू सी वाई प्लस जी, और ये सी वाई इस तरफ ला जाएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे सी वाई इक्वल टू जी, यानी कि वाई कॉमन हो गया तो वन माइनस सी इक्वल टू जी, यानी कि यहां पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू वन ऑब्लिक वन माइनस सी इंटू जी। और जब हम g का असर डेल्टा y में पता कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फॉर्मूला हमारा बनेगा डेल्टा y इक्वल टू वन ऑब्लिक वन माइनस सी इंटू डेल्टा g। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ, अगर हम टेक्निकल भाषा में समझें या सिंपल भाषा में समझें, कि अगर हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 100 का, वृद्धि हुई है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सी है वो 0.8 है, हम ये मान के चले, तो डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे? डेल्टा वाई कैलकुलेट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला 1/1 माइनस 0.8 इंटू डेल्टा जी की जगह हम लिख देंगे 100। तो सिंपल सरल भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि ये बचेगा आपका 0.2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू डेल्टा वाई, डेल्टा वाई जो है आपका 500 के बराबर आ जाएगा। तो ये वाला केस उस केस में हमने आपको समझाया है जिस केस में आपका टैक्स जो है वो लमसम होता है। डायग्राम के थ्रू भी इसी बात को समझा सकते हैं, एक बार डायग्राम के थ्रू भी आप इसी बात को समझ लीजिए जो बात हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए ये हमारा वाई का लेवल है जो कि 45 डिग्री एंगल में होता है, ये आप जानते ही होंगे, जो एग्रीगेट सप्लाई को भी डिनोट कर रहा है। यहां पे हम लिख लेते हैं जीडीपी, यहां पे हम लिख लेते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब आपका जो एग्रीगेट डिमांड है उसका जो स्लोप है वो मान लीजिए इस तरीके का है, जो कि किससे मिलकर बना है, सी प्लस आई प्लस जी से, और सी प्लस आई प्लस जी बनने की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला हो गया जिसको कि हम ए बोल रहे हैं, और ये वाला जो है ये आपका जीडीपी का लेवल वाई जीरो हो गया। अब मान लीजिए कि आपका एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ता है, और एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़कर हो गया ये वाला दिस वन, जिसकी वजह से जो जीडीपी का लेवल है अब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट बी आ गया। इसका मतलब जीडीपी का लेवल आप देखो ज्यादा बड़ा है, यानी कि जो जीडीपी के लेवल बड़ा है वो बड़ा है वाई जीरो वाई वन के बराबर, और ये वाला डेल्टा जी है। तो ये साफ साफ बता रहा है डायग्राम में कि डेल्टा जी की कंपैरिजन में डेल्टा वाई जो है उसकी क्वांटिटी, उसकी जो अमाउंट है वो ज्यादा है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो आपका ये वाला लेवल था पहले एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का लेवल ये वाला था, मैं इसको एग्रीगेट डिमांड का लेवल A0 बोल रहा हूं, जो वृद्धि हुई है वो इतनी हुई है किसमें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, ये डेल्टा जी को दिखा रहा है, मैं इसको AD1 बोल देता हूं, ये डेल्टा जी को दिखा रहा है, और ये वाली जो वृद्धि हुई है ये डेल्टा वाई में हुई है, यहां से लेके यहां तक की, ये डेल्टा वाई को दिखा रहा है। तो डायग्राम आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया इतना ए से लेके सी तक, तो आपकी जो इनकम का लेवल बढ़ा है वो बढ़ा है इतना, यानी कि ये सारा का सारा इनकम का लेवल बढ़ा है, ये आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ कि आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा टैक्स लगाने की, सॉरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से जीडीपी कितना बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है आपका इस एमपीसी पर, इस सी की वैल्यू पर, जो कि अगर आप 0.8 मान लोगे तो आपका ये 5 टाइम हो जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। एक और तरीके का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर यूज करते हैं जब आपका टैक्स जो है वो इस फॉर्म में दिया हो, आपको मान लीजिए टैक्स दिया है इस तरीके से 0.2y, तो इस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं आपको करके दिखा देता हूं। y इक्वल टू होता है c प्लस आई प्लस जी, तो c की वैल्यू कैसे लिखोगे बच्चों, c की ऐसे लिखेंगे c बार प्लस सी वाई माइनस
टी वाई प्लस टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार। अब इसका मतलब सी होता है ना बच्चों, इस पूरे का। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सी बार प्लस सी वाई माइनस सी टी वाई, ठीक है जी, कई जगह ऐसे सी टी बोल देते हैं स्मॉल में, सी टी बोल देते हैं इसको, प्लस सी टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार। इस बार देखिए ये कांस्टेंट नहीं है, मैं कांस्टेंट जो नहीं है उसको सर्कल कर देता हूं, ये कांस्टेंट नहीं है, दूसरा ये कांस्टेंट नहीं है, और एक ये कांस्टेंट नहीं है। तो इसमें से ये सारे कांस्टेंट नहीं है, मैं आपको करके दिखाऊंगा बच्चों पूरी तरीके से। इसका मतलब y में से माइनस कर देंगे सी वाई, ठीक है जी, और प्लस कर देंगे सी टी वाई। अगर आप y को इस तरफ ले, इन सबको इस तरफ ले गए, इक्वल टू g, तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे, y लेंगे। तो इसमें से जब y कॉमन लेंगे तो ये बचेगा इस तरीके से, 1 माइनस सी प्लस सी टी, ठीक है जी, इक्वल टू जी। अब इसमें से 1 माइनस सी को भी कॉमन ले लिया, इसमें से सी को कॉमन ले लेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस सी ब्रैकेट में 1 माइनस टी इक्वल टू जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डेल्टा वाई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा 1 ऑब्लिक, यानी किस तरफ चला जाएगा ना ये, 1 माइनस सी ब्रैकेट में 1 माइनस टी इंटू डेल्टा जी। इस वाले फॉर्मूले के थ्रू भी आप निकाल सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं जैसे कैसे निकालते हैं इसको। मान लीजिए सी की वैल्यू दे रखी है 0.8, आपको गिवन है मान लीजिए, और टी दिया हुआ है 0.2 या 0.25 दिया हुआ है, और आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो वृद्धि हुई है वो हुई है मान लीजिए आपकी 0.100 की। तो डेल्टा y कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं, आप बहुत आराम से समझ लीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे 1 ऑब्लिक 1 माइनस 0.8 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.25 इंटू डेल्टा g की जगह आपका वैल्यू आ जाएगी 100 की। तो जब कैलकुलेट करते हैं तो बोर्ड मास का नियम याद रखना, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, यानी कि आप लिखोगे ऐसे। अब जब आप इसे करोगे तो 0.75 आएगा, जब 0.75 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6 आएगा, इसका मतलब 1 माइनस 0.6 इंटू 100, और ये बचेगा 0.4 इंटू 100 जो कि कन्वर्ट होकर बदल जाएगा 2.5 इंटू 100, और आपका आंसर 2500 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल शब्दों में अगर हम समझाने का प्रयास करें, अभी तक हमने जो समझाया है वो ये समझाया है, समराइज कर लेते हैं कि जो डेल्टा वाई होता है उसको ये वाला जो फॉर्मूला है ये इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि डेल्टा जी जो है उसके बढ़ने से डेल्टा वाई बढ़ जाएगा अगर आपका लमसम टैक्स है तो, प्रोपोर्शनल टैक्स है तो। सेम वाला फॉर्मूला ना लगाकर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और डायग्राम में आप जो इंपैक्ट दिखाओगे वो दोनों का सेम ही इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा, और यही बच्चों डायग्राम दोनों केसेस में बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।